अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी आज हम पैकेजिंग डिजाइन करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं जी। अल्लाह के नाम से, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैकेजिंग डिजाइन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको समझना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बेसिकली पैकेजिंग होती क्या है। डिफरेंट चीजें की पैकेजिंग हो सकती है। अगर एक बॉटल है या किसी भी ब्यूटी क्रीम है उसकी पैकेजिंग हो सकती है, या कोई मेडिसिन है उसकी पैकेजिंग हो सकती है। तो पैकेजिंग का आइडिया आप तमाम लोगों को कैसे होगा? आपके घर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग मौजूद होगी। आप तमाम लोग एक साइड पे उसकी क्रीजिंग पॉइंट होता है जहां पर जी उसकी ग्लू वगैरह से वो स्टिक हुआ होता है, वो वाला पॉइंट ढूंढकर आप उसे हल्का सा ओपन कर लेंगे, ठीक है? और ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का बॉक्स नजर आएगा जब आप ओपन कर लेते हैं। तो वो बनता कैसे, उसका बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है डिजाइनिंग से। और डिजाइनिंग के अंदर क्या है कि हमारे पास तीन पॉइंट होते हैं, उसका डिफरेंट एरिया वगैरह होता है जिसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में क्या कहते हैं, वो और से देखें। यहाँ पर जी आज का हमारा टॉपिक होगा पैकेजिंग डिजाइन इन अडोब इलस्ट्रेटर। तो उसके अंदर जी हमारे पास होता है डाई कट लाइन, ठीक है? डाई कट लाइन क्या है, ये जो आपको अंदर वाली एक आउट एक इनर लाइन आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं डाई कट लाइन। ये इसके अंदर ही आपको अपने डिजाइन को जो है क्रिएट करना होता है। इसी के साथ हमारे पास ब्लीड एरिया है। ब्लीड एरिया क्या है, ये हमारा सेफ जोन एरिया होता है जिसके अंदर आप क्या नाम है, इधर से आप इसकी कटिंग वगैरह भी ले लेते हैं और एग्जैक्टली आपको पता होता है कि आपका डिजाइन का एरिया जो है इसके अंदर वाला एरिया आपका डिजाइनिंग एरिया होता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्रीजिंग लाइंस। क्रीजिंग लाइंस क्या है, आपने देखा होगा कि अक्सर हम जो है जब आयरन कर रहे होते हैं अपने क्लोथ्स वगैरह, तो हम उसकी प्रॉपर एक क्रीज बना रहे होते हैं। वो क्रीज क्या है, एक उसकी एज पॉइंट जिसे आप कहते हैं, जहां से हम उसे फोल्ड करते हैं, ठीक है? हम अपनी पैंट को जहां से फोल्ड करते हैं तो उसको हम प्रॉपर कहते हैं ना यार क्रीज का ख्याल रखना। एग्जैक्टली ये हमारा वो पॉइंट है जहां से हम अपने बॉक्स को क्रीज करते हैं। क्रीज क्या, फोल्ड करते हैं, और इसको फोल्ड करके हम इसको यहां से इस साइड से स्टिक कर देते हैं। और ये उसका फ्लिप, जिसको आप ढक्कन कहते हैं, बंद करने के लिए कैप कहते हैं, और अगर कोई बॉटल बना रहे हैं तो उसको हम लिड कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं। अब ये करना कैसे डिजाइन, तो उसके लिए जी सबसे पहली चीज कुछ मेजरमेंट्स है, बहुत आसान है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, ये कैसे होगा, सिर्फ टेक्निकल सी चीजें हैं। और वो क्या है कि आपका क्लाइंट आपको खुद से ब्रीफ करता है कि भाई ये डायमेंशन हैं, इस डायमेंशन का मुझे प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है? अभी फिलहाल हम एक डमी साइज ले लेते हैं और उस डमी साइज के ऊपर एक बॉक्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाके आज हम एक यूनिक आर्ट बोर्ड लेते हैं, और वो है जी प्रिंट में जाएं और प्रिंट में जाके A3 साइज ले लें। और A3 साइज को आप सिंपल क्या करेंगे, यहां पर A3 साइज की ओरिएंटेशन को आप यहां पर सिंपल हॉरिजेंटल कर लें, और यहां पर आप इसको दे दें जी 16 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट है, और 4 या 5 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ है, ठीक है? ये जी हमारा क्लाइंट जो है हमें डायमेंशन देता है, या आप कह लें 6 सेंटीमीटर जो है उसकी क्या है, विड्थ है, ऐसे कर लें। चल इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल जी हमें एक बॉक्स लेना होगा, और बॉक्स से पहले हम थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बनाएंगे अपने कैनवस को। और कैनवस के लिए जस्ट मैं यहाँ पे डिजिटल फ्लेयर का लोगो लगा रहा हूं, और फाइनली जी जो हमारा टॉपिक नेम है उसको भी मैं कंट्रोल सी और यहां पर लगे कंट्रोल वी कर देता हूं फाइनली।
और इसको आप यहाँ पे सेंटर में रख दें। अब हम एक पैकेज डिजाइन करते हैं। अब सिंपली जी मुझे एक बॉक्स बनाना है और उसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन सबसे पहले समझने के लिए आपको कंट्रोल आर प्रेस करना होगा, कंट्रोल आर फॉर रूलर्स, ये आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। रूलर्स की डायमेंशन को चेक कैसे किया जाता है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है ये इस वक्त पॉइंट में जो है इसके रूलर की सिलेक्शन है। तो आप अपने मर्जी से रूलर की सिलेक्शन पहले लेते हैं। इस वक्त हम साइज बना रहे हैं सेंटीमीटर के अंदर, तो आप क्या करेंगे अपनी मेजरमेंट को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर स्केल हो चुका है। अब सिंपली हमने क्या काम क्या करना है, हमने जस्ट अपने रेक्टेंगुलर टूल पर आना है और यहाँ पर आके अपने कैनवस पे कर देना है क्लिक। अब ये हमसे पूछ रहा है आपको विड्थ कितनी चाहिए और हाइट कितनी चाहिए। अब हम एक डायमेंशन रखते हैं, फर्ज करिए जी हम इसकी एक डायमेंशन रख रहे हैं 15 हाइट कर लेते, 15 विड्थ कर लेते और हाइट आप इसकी कर ले 6 या 7 और ओके करके देखें तो आपके पास ये कुछ बॉक्स आ गया। कंट्रोल जेड दोबारा से देखते, सिंपल जी बॉक्स लिया, हाइट हम इसकी रख रहे हैं 15 और विड्थ हम इसकी रख रहे हैं 7 ठीक है। और यहां पर जी हम इसको 15 क्या है जी हाइट और 7 क्या है जी इसकी विड्थ। हाइट क्या होती है, हॉरिजेंटली मेरे माउस को गौर से देखें, हॉरिजेंटली आपकी जो है वो आपकी विड्थ होती है और वर्टिकल आपकी हाइट होती है। और सिंपली मैं इसे ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूं, आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया। इस बॉक्स को इसकी आउटर लाइन में आप जस्ट इसका कलर कर देंगे, जस्ट मैंने स्वैप कर दिया बॉक्स को क्लिक करके। अब सिंपली जी मुझे इसका साइड जो आपका साइड एरिया है बॉक्स का वो मुझे बनाना है, तो जस्ट मैं इसकी कॉपी लेता हूं और जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है मैं दोनों कीज आल्ट और शिफ्ट और माउस के बटन को रिलीज कर दूंगा ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट इस शेप पे आप सिलेक्ट करें और ट्रांसफॉर्म में चले जाएं और ट्रांसफॉर्म में जाकर आपके पास ये कुछ डायमेंशन हैं कि आपको किस एंगल पे रख के अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो जस्ट मैं इसे यहां पर इसका रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, रेफरेंस पॉइंट आप इसका सेंटर लेफ्ट रेफरेंस पॉइंट आप इसका सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप इसे डायमेंशन देंगे कि भाई आपको विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ हमें कितनी चाहिए 7 है तो यहां पर हम इसकी विड्थ कर देते हैं 5 और हम इसे एंटर कर देते हैं। नाउ फाइन, अब ये हमारा पार्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसी पार्ट की कॉपी इसकी ऑपोजिट राइट साइड पे ले लेते हैं। कैसे, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें और इसे राइट साइड पे ड्रैग करें और जैसे ही आपके पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है दोनों कीज और माउस के बटन को आप कर देंगे रिलीज। नाउ फाइन, अब हमने क्या करना है, अब हम इसका जो है ऊपर वाला फ्लिप बनाते हैं और नीचे वाला फ्लिप बनाते हैं। तो उसके लिए जी सिंपल मैं थोड़ा सा इसका ऊपर की तरफ नेगेटिव स्पेस जो है वो सेट कर देता हूं ताकि फिर हम इसे बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल जी मैं इसको ऊपर की तरफ इसका साइज ले लेता हूं राइट दिस वन ठीक है। अब इस साइज को कितना होना चाहिए ऊपर से एग्जैक्ट 5 जो कि हमारा जो इसकी साइड वाला साइड है 5 हमने रखी है एग्जैक्टली, इसकी भी डायमेंशन हम इसी तरह रखेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, अब की बार जो मैं इसका रेफरेंस पॉइंट है वो बॉटम मिडल कर रहा हूं ठीक है और ऊपर से हमें साइज क्या करना है कम करना है। तो हम यहां पर जो इसका साइज है हाइट इसकी कम कितनी कर देंगे 5 सेंटीमीटर ओके डन। अब इसी की मैं कॉपी इसके ऊपर ले लेता हूं और अब की बार मुझे क्या करना है, इस जो क्रीजिंग पॉइंट से मुझे फोल्ड चाहिए अपने बॉक्स का। तो अब बॉक्स के फोल्ड के लिए मैंने ये बॉक्स लिया, पहले तो हम इसे सेट कर लेते हैं ठीक है जी। अच्छा अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हमने सेट करना है एग्जैक्ट, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके बॉटम ट्रांसफॉर्म है जी बिल्कुल बॉटम ट्रांसफॉर्म है। हाइट हमें इसकी कितनी करनी है 1.5, कितनी करनी है आपने जी 1.5 कर लें इनफ है और एंटर कर दें। नाउ फाइन, अब आप क्या करते हैं, अब आपको यहां पे एंडिंग पॉइंट पे थोड़ा सा ऐसे कर्व देना है और कर्व देने के लिए आप क्या कर लेते हैं, आप जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर चले जाएं, इसको सिलेक्ट करिए, शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने 2 इसके पॉइंटर्स को सिलेक्ट किया और अंदर की तरफ मैंने इसे राउंड कर दिया ठीक है। नाउ फाइन, ये अब हमारा ऊपर वाला कैप भी बन गया एग्जैक्टली। अब मुझे इसका स्टिकिंग पॉइंट चाहिए, तो स्टिकिंग पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूं, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूं लेफ्ट साइड पे और अब की बार हम इसको जो है इसका क्रीजिंग पॉइंट बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और इसको जी मैं यहां से रेफरेंस पॉइंट इसका
राइट मिडल कर लेता हूं, ठीक है। और इसी के साथ मुझे इसकी जो विड्थ है वो कितनी चाहिए, 1.5। ये स्टैंडर्ड आपके क्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं, ये आप इजीली ले सकते हैं। इसके बाद जी मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है जिसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और शिफ्ट प्रेस करके इसे डाउन की के साथ नीचे की तरफ ला सकते हैं। आप कैसे, शिफ्ट को होल्ड करके रखें और अपनी एरो कीज को डाउन करें, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाएं, पॉइंट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके डाउन की, वन टू, और एग्जैक्टली जी आपको इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करना है और वन टू अपर ई को आपने प्रेस करना है, वन एंड टू, फाइनली डन। और ये जी आपका क्रीजिंग एरिया भी क्रिएट हो गया, डन हो गया। चले जी आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका साइड जो फ्लिप्स होते हैं वो हमने क्रिएट करने, और उसके लिए क्या करना है, हमें जस्ट हमें इसको उठा के इसके ऊपर लेकर आना है, इसके ऊपर लेकर आना है, और ऊपर लाने के बाद इसको हमने छोटा करना है। लेकिन इसका साइज क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड साइज होता है इन दोनों का मिडिल साइज। इन दोनों का मिडिल साइज कैसे पता चलेगा, इन दोनों को सिलेक्ट करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, और ट्रांसफॉर्म में जाके आपको इन दोनों का जो मिडिल साइज है वो पता चल जाएगा। इन दोनों की हाइट क्या बन रही है, 6.5। अब 6.5 को डिवाइड करिए 2 पे तो क्या बनता है, जल्दी से बताएं, 6.5 को डिवाइड करिए 2 पे, 6.5 डिवाइड बाय 2, तो अब हमें कितना साइज रिक्वायर्ड है, 3.25। अब 3.25 को हम किस तरह लेंगे, इसको सिलेक्ट करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं और इसको यहां पे हम सेंटर बॉटम कर देते हैं, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी हाइट 3.25, और एंटर। अब फाइनली जी हमारे पास वो साइज आ जाता है जो हमारा फ्लिप पॉइंट है। अब इसको हम और कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, देखिए जी हमारे पास एक बॉक्स हम इसके ऊपर बनाएंगे और वो बॉक्स बनाएंगे 0.5 का, क्या बनाएंगे 0.5, और उसकी हाइट भी ले लेंगे 0.5। ये भी एक कस्टमाइज है, ये मैं आपको बताता हूं कि हम करने क्या लगे हैं। अब हम इसकी जरा थोड़ी सी डाइमेंशंस को जरा सेट करके लेने लगे हैं, और इस तरह मैं इसको रख देता हूं इस बॉक्स को, और इसी के साथ मैं इसको लेफ्ट साइड पे भी ले जाता हूं, और अब की बार मैं इस साइज की डायमेंशन किस तरह ले रहा हूं, अब हम इसे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, बॉटम के ऊपर सिलेक्ट है, और यहां से जो इसकी विड्थ है वो 0.25 कर देता हूं मैं, 0.25, एंटर, नाउ फाइन। इसको जी मैं अलाइन कर रहा हूं बिल्कुल जी इसकी लेफ्ट अलाइन, और एग्जैक्ट मैं इसको भी कॉपी लेकर इधर लाके इसे रख देता हूं। ये बेसिकली हम इसकी जो स्टैंडर्ड कर्विंग एजेस है ना वो बनाने के लिए हमने ये बॉक्सेस क्रिएट किए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली यहाँ पे हमारे पास रूलर्स जो रिक्वायर्ड है, सिंपल हम इस रूलर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये एक लाइन सी आपके पास अपेयर हो जाएगी, और ये लाइन क्या है, ये आपके रूलर्स है जिनको आप मिडल सेंटर के अंदर ला सकते हैं, और एग्जैक्टली जी मैं इसके सेंटर में भी ला रहा हूं, और इसी तरह जी मैं इसको इसकी इस लाइन के सेंटर में भी ला रहा हूं, नाउ फाइन। ये जी थ्री लाइंस, और थ्री लाइंस को मैं यहां पर लाके रख दिया। अब ये हमारे पास कुछ थ्री लाइंस जो हैं आपको नजर आ रही होंगी, ये हमारी है क्या है जी, ये हमारे रूलर्स हैं, और रूलर्स को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो इन तीनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहां से आप लॉक गाइड पर क्लिक कर दोगे। अब ये आपकी जो गाइड्स हैं लॉक हो जाएंगे, अब ये सिलेक्शन में नहीं आएंगे, और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि कहीं ये हिल ना जाए। तो अब आप बेशक ये जो थ्री बॉक्सेस आपने बनाए हैं अब आप इन्हें बेशक यहां से डिलीट कर सकते हो, और मैंने कर दिए। अब आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो पॉइंट्स ऐड करने के लिए आप पेन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पेन टूल पर, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड एंकर पॉइंट, क्या करेंगे ऐड एंकर पॉइंट पर आके क्लिक कर देंगे, और फाइनली जी आपने एक इस स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक कर देना है, और एग्जैक्ट यहां पर भी हमें 1, 2 एंड 3, ये थ्री पॉइंट्स मैंने यहां पर भी ऐड कर दिए। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस पॉइंट को जो हमने सिलेक्ट किया इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और राइट एरो की को सिलेक्ट कर दें। एग्जैक्टली जी आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की को 1 एंड 2, इधर से आप 2 सिलेक्ट कर दें,
और फाइनली जी आप इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, शिफ्ट एरो की और लेफ्ट 1 एंड 2, और फाइनली जी आप इसको भी जी यहां से सिलेक्ट कर देंगे और शिफ्ट प्रेस करके 1 एंड 2, और इसको भी एक पॉइंट राइट कर दें। नाउ फाइन, ये जी आपका जो फ्लिप है वो तैयार है। ठीक है जी, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को या आपके पास कोई मेडिसिन आती है उसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको ये प्रॉपर जो है की ड्राइंग उसकी नजर आएगी। इसको जो हम बना रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं की ड्राइंग। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फ्लिप को इसकी ऑपोजिट साइड पर लेकर आना चाह रहे हैं। तो अब बेशक आप इसकी गाइडलाइन को हटा दें यहां से, तो अब गाइडलाइन को हटाने के लिए राइट क्लिक करें, अनलॉक गाइड्स पे क्लिक करें और इन तीनों को सिलेक्ट करें, और आपके कीबोर्ड में कुछ लोगों के डेल लिखा होता है, कुछ लोगों के डिलीट लिखा होता है, डिलीट के बटन पर क्लिक कर दें। नाउ डन, फाइनल। चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, और अब हम इसको इसको फ्लिप करना है। जस्ट आप इसकी कॉपी लें इसके बॉटम में, और इसको बॉटम में लाने के बाद इसको आप फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, या प्रॉपर्टीज में चले जाएं। प्रॉपर्टीज में आपके पास ये ऑप्शन है, फ्लिप अलोंग वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, जस्ट मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और फाइनली जो है मैंने इसे इजीली फ्लिप भी कर दिया है। अब आप इसे सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करें और इसकी आल्ट और शिफ्ट से कॉपी लें और इधर लाके इसे रख दें। और अब की बार हमने इसे क्या कर रहा है, अब की बार हमने इसे फ्लिप अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस पे करना है। ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सिस क्या है कि हम इसका मिरर इफेक्ट ले लेंगे, और उसके लिए क्या है, जस्ट आप यहां पर क्लिक करें, ये आपका जो फ्लिप है वो हो चुका है। नाउ डन। उसके बाद जी आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस कैप की कॉपी लेनी है, इसके बॉटम पे लाके रख दें और अब की बार इसे हमने फ्लिप कर देना है। नाउ डन। ये जी आपकी की ड्रॉइंग जो है आसानी से तैयार हो चुकी है। अब हमारे पास आ जाएगा हमारा डिजाइनिंग एरिया। फिलहाल मैं इसे खुद से कस्टमाइज कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डायमेंशन वगैरह मैं चाह रहा हूं प्रेजेंटेशन भी हम इसके साथ साथ एक्यूरेट बनाएं, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको ओवरऑल सिलेक्ट किया और थोड़ा छोटा कर लिया ताकि मेरे डिजाइन में ही रहे, मेरे कैनवस पे ही रहे। ठीक है जी, ये फाइनली जी हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया, और अब आप इसकी जो टॉपिक नेम है ऊपर से लाके नीचे रख दें और नाउ डन। उसके बाद जी आप इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और ये हमारे पास फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम फर्दर जो है डिजाइनिंग करते हैं, और अगर हमने इसे प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो हमें इसके क्रीजिंग लाइन भी डेवलप करनी होगी और इसका ब्लीड एरिया भी देना होगा। तो उसके लिए जी हम क्या करते हैं, डाई कट लाइंस हमारी तैयार हैं, इसी के अंदर हमें अपने डिजाइन को कंपोज करना होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ओवरऑल आप सिलेक्ट कर लें, और यहां से जी विंडोज में जाएं, विंडोज में जाके लेयर के पैनल को आप ओपन कर लेंगे फाइनली लेयर, और इसका जी आप नाम यहां पर दे दें डाई कट। ठीक है जी, और डाई कट को अब हम कॉपी करने लगे, और कॉपी करने के लिए सिंपल जी आपको करना ये होगा कि इसकी सिलेक्शन लेनी होगी, और सिलेक्शन लेने का क्या तरीका है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और अंदर से इसको सिलेक्ट करेंगे आप, तो अंदर से सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, सिंपल मैं इसे अंदर वाली लाइंस को सिलेक्ट कर लेता हूं, शिफ्ट को होल्ड करके रखता हूं, इसे सिलेक्ट कर लें, इसे कर लें, इसे कर लें, इसे, इसे और फाइनली इसे। तो ये जी मैंने अंदर से तमाम पार्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आप तमाम लोगों ने एडिट में जाना है, एडिट में जाके आपने कट कर देना है। क्या कर देना है, कट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। अभी फिलहाल मैं सिंपल कट कर देता हूं, और कट करने के बाद अब ये देखें यहां पर एक लाइन जो है ये सिलेक्ट नहीं हुई, तो कंट्रोल जेड और शिफ्ट प्रेस करेंगे, और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको भी सिलेक्ट कर लो, और देन आप कट कर दें, और ये फाइनली अब तमाम पीसेस जो है इसके कट हो चुके हैं। और कट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने एक और लेयर एड करनी है, जो कि फाइनली आप न्यू लेयर यहां से एड कर सकते हैं, और इस लेयर को ऐड करने के पहले आप डाई कट को लॉक कर दें यहां से, और इसके ऊपर जी आप पेस्ट कर दें, और पेस्ट क्या करना है, हमने एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट कर देंगे। क्या कर देंगे, लेयर को सिलेक्ट किया, एडिट में गए और एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, वही लाइंस आपकी यहां पर अपेयर हो गई।
अब इन लाइंस का क्या करना है, इन लाइंस को हम डैश लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डैश लाइन क्या है, ये रेफरेंस लाइंस हैं। बेसिकली आपको आप क्योंकि आप मौजूद नहीं होंगे प्रिंटिंग वाली जगह पे और आपका क्लाइंट थोड़ा सा रिलैक्स रहे, उसे बताना ना पड़े, तो आप प्रॉपर एक ड्राइंग जो है कंप्लीट करके अपना आर्ट वर्क प्रिंटर प्रिंटिंग फॉर्म में डिलीवर करते हैं ताकि उन्हें आसानी हो जो प्रिंटिंग करने वाले हजरात हैं। उसके बाद जी आप इसको डॉटेड लाइन में करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप स्ट्रोक पर जाएं, डैश लाइन पर क्लिक कर दें और अब आपको यहां पर डॉटेड लाइंस इसकी नजर आना शुरू हो गई होंगी। अब यहां पर कुछ लोगों के हाइड्स होते हैं ऑप्शन, तो सबसे पहले आप थ्री लाइंस पर क्लिक करें, शो ऑप्शंस पर क्लिक करें, आपके पास तमाम ऑप्शंस यहां पर ओपन हो जाएंगे। सिंपली जी डैश लाइन पे जा रहा हूं और डैश लाइन को आप यहां से अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर आपको इधर से राउंड करना है आप राउंड कर लें और फाइनली डन। ये जी आपका क्या आ गया जी, क्रीजिंग लाइंस आपने इजिली क्रिएट कर ली है। अब फाइनली जी आप इसे कंट्रोल जी कर लो, ग्रुप कर लो और अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आप लेयर्स के पैनल में जाएंगे और लेयर्स के पैनल में जाके जी डाई कट जो पार्ट है इसका हम ब्लीडिंग एरिया अब हम क्रिएट करेंगे। तो ब्लीडिंग एरिया क्रिएट करने के लिए एक काम तो ये करते हैं, इसको सारे को आप बल्कि अभी हम एक कॉपी बनाते हैं। डाई कट की कॉपी लेने के लिए सिंपल आप इसको उठाएं और उठा के जो प्लस का साइन है इसके ऊपर लाके ड्रैग कर देंगे। आपके पास कॉपी आ गई, इस कॉपी को नीचे ले आओ और यहां पर जी आप इसका लॉक बेशक ओपन कर दें और यहां पर आके आप इसका क्या लिख दें, ब्लीड एरिया। ये जी आपने इसका ब्लीड एरिया ले लिया और बाकी जो लेयर्स हैं उसको लॉक भी कर दें और उसको हाइड भी कर दें। ठीक है, अब आपके पास ब्लीड एरिया आ गया। इस ब्लीड एरिया को अब हम फर्दर कस्टमाइज कर रहे हैं, तो कस्टमाइज करने के लिए आपके पास क्या है कि आपने ब्लीड एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन टूल की मदद से आपने ओवरऑल इसकी सिलेक्शन ले ली, अफेक्ट में गए, अफेक्ट में जाके पाथ में गए और पाथ में जाके ऑफसेट पाथ पे आपने जस्ट जाके क्लिक कर देना है। ऑफसेट पाथ आपका स्टैंडर्ड ऑफसेट पाथ होता है 0.25, तो आपने सिंपल चीज 0.25 इंचेस जो है उसका पाथ ले लेना है। आप इधर लिख दें 0.25 और सिंपली जी ये जो ज्वाइंट्स हैं आप इसका मीटर से राउंड कर देंगे और ये प्रीव्यू पे टिक करेंगे तो जैसे जैसे आप इसमें चेंजेस कर रहे होंगे ये आपको नजर आ रही होंगी। तो सिंपली जी आप इसे फाइनली जाके ओके कर दें और ओके करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह की आउटलाइंस आपको नजर आएंगी। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर देना है और एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करने के साथ ही पाथ फाइंडर टूल पर चले जाना है। अगर आपको यहाँ पर राइट साइड पे नहीं नजर आ रहा तो आप विंडोज में जाएंगे, यहां पर आपके पास पाथ फाइंडर टूल है और सिंपल जाके आप यहां से यूनाइट कर देंगे। यूनाइट करने के बाद कुछ ड्राइंग आपको इस तरह दिखेगी। उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने इसे रिलीज कर देना है और रिलीज करने के लिए क्या है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, लाइंस को राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ। सिंपल जी आपने दोनों को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक कर लें और राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ पे क्लिक कर दें। नाउ डन। अच्छा उसके बाद जी ओवरऑल इसे सिलेक्ट करें और इधर से जाके कंबाइन कर दें इसे। ठीक है, रिलीज पाथ के बाद आपने इसे कंबाइन कर देना है। फाइनली जी आपकी ये जो ब्रीडिंग ब्रीड एरिया है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं और कलर इसका इस तरह कर दें कि ये नजर भी आए। तो यहां से मैं ब्लू कर देता हूं और इस ब्लू को यहां से लाइटर ब्लू हम इसका ले लेते हैं या इधर से आप अपना स्टैंडर्ड कलर हम यहां से ले लेते हैं और फाइनली डन। और अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो की ड्राइंग बनाई थी उसकी अपीयर कर देते हैं। अपीयर करने के लिए जस्ट आप लेयर्स पे जाएं और यहां से इसकी आई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो अपीयर हो जाएगी। फाइनली जी आपका बॉक्स तैयार है, प्रिंटिंग के लिए भी तैयार है और अब आपने इसको प्रॉपर डिजाइन करना है। और डिजाइन जो है डिजिटल फ्लेयर्स के स्टूडेंट्स को आइडिया है कि इसे कैसे डिजाइन करना है कि नहीं है, जल्दी से बताएं मुझे। आप तमाम लोगों को आइडिया है कि इसे कैसे डिजाइन करना है।
डोंट वरी, अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो हेल्ड हो रही है तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और आपको इसका लिंक आफ्टर लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लियर वीडियो के साथ, तो इसलिए डोंट वरी। अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक पैकेज डिजाइन किया है, फर्दर अगर हमने इसको डिजाइन करना है इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैं प्रॉपर आप तमाम लोगों को ये जो हमने डायकट डिजाइन बनाया है तो ये हम इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर जो है इसे डिजाइन करेंगे। अभी मैंने जो स्टैंडर्ड डिजाइनिंग है वो रैंडम सी डिजाइनिंग मैंने की भी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये फाइनली ऐसे है कुछ जिसके अंदर मैंने कुछ क्विक लर्निंग एम्पावरिंग माइंड डिजिटल प्लेयर का जो जिस प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोग मौजूद हैं इसी का ही जी एक छोटा सा इंसिग्निया जो कि हमने क्विक लर्निंग के लिए बनाया है उसको जस्ट मैंने यहाँ पर लेबल कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर दिया है। ये कुछ ग्रेडियंट्स मैंने उठाए थे गूगल से, जस्ट मैंने क्या लिखा था यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह के अबाउट क्रीम इंग्रेडियंट्स, तो ये जस्ट अ रैंडम टेक्स्ट है। तो ये जी आपका फाइनल है और यहाँ पर आप इसकी की ड्राइंग को थोड़ा सा अगर क्लाइंट को आसानी हो जाए तो यहाँ पर आप उसके लिए डायमेंशंस भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके क्या आपकी प्रॉपर डायमेंशंस वगैरह हैं, तो ये काफी आसानी हो जाती है प्रिंटर जो प्रिंटिंग करने वाला है उसके लिए भी और सेकेंडली जी और आपका जो क्लाइंट है वो काफी सेटिस्फाई होता है आपको जब उसके पास प्रॉपर प्रपोजल जाता है कि भाई ये काम है इस तरह होगा इसकी ये पैकेजिंग होगी। All is clear. अगर clear है आप तमाम लोगों को तो जल्दी से yes लिखकर आप तमाम लोग मुझे बता सकते हैं। How's your lecture? मजा आया जी आज के session का आपका? जी मजा आया, आफान को मजा आया, मिसबा को भी अच्छा लगा, सैफ ईमान को भी अच्छा लगा, उसामा यासीन को भी, ठीक हो गया जी। आप तमाम लोगों को फर्दर मैं गाइड कर देता हूं कि आप लोगों ने फर्दर इसको कैसे जो है कंपोज करना है। अभी के लिए जी मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूं क्लोज, बाकी चीजें जी आप तमाम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द जो है हम इसके ऊपर डिजाइनिंग के ऊपर बनाएंगे और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ट्रू ओपिनियन देना मत भूलिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ तमाम लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।